वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्ग चार के फिक्स वेतनधारी वैसे सफाई कामदारों द्वारा उन्हें कोई भी नोटिस दिए बिना नौकरी से बेदखल करने का विरोध करते हुए आज कॉर्पोरेशन कचहरी में धरना प्रदर्शन किया गया। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वर्ग चार में फिक्स वेतनधारी वैसे सफाई कर्मचारियों द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया, जहां उन्हें कोई भी पूर्व नोटिस दिए बिना ही उन्हें नौकरी से बेदखल किया गया है, जिसको लेकर वे लोगों में आर्थिक परेशानियां बढ़ते हुए रोजी रोटी को लेकर गंभीर समस्या बढ़ने की चिंता के साथ आज धरना प्रदर्शन किया गया, जहां 100 से भी अधिक संख्याधारित वैसे सफाई कामदारों को गलत तरीके से टारगेट बनाकर महंगाई के वक्त में बेरोजगार बना देने से उनकी परेशानियां बढ़ाई गई है, वैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें 1 जून 2023 से जरूरी लिखित रजूआत की गई थी। उसके अनुसंधान में 16 जून को म्युनिसिपल कमिश्नर को खुद भी मौखिक में इस संदर्भ में एक महीने का वक्त की मांग की गई, यानी कि मुद्दत की मांग देने के बावजूद उनके लिए उनके हित में कोई भी अभी तक फैसला नहीं लिया गया, जहां उन्हें 5 साल के फिक्स वेतन के बदले पिछले 15 सालों से शोषण करने के भाग रूप नौकरी करवाई जा रही है, बावजूद उन्हें कायमी नहीं किया गया। ऐसे में उन्हें कोई भी नोटिस दिए बिना नौकरी से बेदखल करने का विरोध करते हुए आज तमाम कर्मचारियों द्वारा धरना पर बैठते हुए तमाम ऑर्डर वापस लेने की मांग कर सूत्रोच्चार लगाए गए थे। हाँ, अब फिक्स पगार वाला कर्मचारी छे महक कमना, आ लोकोने 5 वर्ष जगह पर 15 वर्ष सुधी काम करायू छे अने आ लोकोने खोटी रीतना सेवा समाप्तिना ऑर्डर आपी इने छुट्टा काट दीधा छे। हाल वडोदरा महानगरपालिका में 2133 जगह खाली छे सफाई सेवकोनी। आ लोको महकम में कोई भर्ती करता नथी, महकमना जे कर्मचारी छे एमना हेमकेम टार्गेट बनाईने छुट्टा करी रह्या छे। हवे आ कर्मचारीओने छुट्टा कर्या छे तो आ कर्मचारीओनी साथे साथे इमने इमना परिवारने पण मार्या छे, समझ्या। एक कर्मचारी नी पाछळ एमना आखा परिवारनुं गुजरાણ થતું હોય છે। અમારી માંગ છે કે આ પરિવાર સાથે ન્યાય કરો, અમને પાછા લઈ લો વહેલામાં વહેલા। અમે અગાઉ ઘણી રજૂઆતો કરી હતી, મ્યુનિસિપલ કમિશનર રાણા સાહેબે 1 મહિનાનો સમય પણ માંગ્યો હતો, સમય આપ્યો, 1 મહિનાની ઉપર થઈ ગયું, કમિશનર સાહેબે કોઈ પણ જવાબ અમને આપ્યો નથી। પછી અમે લોકોએ અલ્ટિમેટમ આપ્યું, 6 દિવસનો સમય આપ્યો, પરંતુ એનું પણ કંઈ ગણકાર્યા નહીં। એની માટે આજે અમારે અહિંસાના માર્ગે આ અન્યાયના વિરુદ્ધમાં ધરના કરવાની જરૂર પડી છે, એટલે ધરના પર બેઠા છે। નરેશ સોલંકી, રાષ્ટ્રીય વાલ્મીકી સંગઠન સેના ફાઉન્ડેશન, વડોદરા શહેર।